कि तो ये मुकदमा दर्ज होने वाला है। और शर्म की बात तो ये है कि संविधान ने अधिकार दिया अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान में लिखा हुआ है, और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने, राजेश कुंडू ने, एक बहुत बड़ी वारदात होते हुए उसने बचा दिया। हैरानी की बात यह है कि उसने बचाया, उसने सरकार की जो मंशा थी उसको कामयाब होने से उसने बचा दिया। और सरकार ने इस वजह से उसको ये हुआ कि ये कैसे हो गया, इनको कैसे पता चल गया कि भाई ये हमें ऐसे काम करवाने जा रहे हैं। हमने 14 तारीख को वास्तव में उन्हें दंगे भड़काने थे, ये काम करना था, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि कोई हर बार ये नया कोई न कोई ऐसा फार्मूला लेके आते हैं कि किसी तरह ये भाई हमारे आपस में भिड़ जाए। लेकिन ये तो सोशल मीडिया की मेहरबानी कि वो हमें जागरूक कर देता है और बता देता है। और मजे की बात ये है, देखो साइबर टेररिज्म का मुकदमा दर्ज किया गया है आईटीएफ का, जो कि पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ता ही नहीं, वो धाराएं लगाई गई है जो वो पढ़ता नहीं। और दूसरा कंप्लेंट फैसला नहीं बढ़ता, हमारे डीएसपी साहब आ गया है और मैं निवेदन करूंगा, इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस मुकदमे की निष्पक्ष जांच करके राजेश कुंडू को बाकायदा बाइज्जत इस मुकदमे को कैंसिल करे, ऐसी हमारी प्रार्थना रहेगी। राजेश कुंडू हमारी नौजवान बहनें बेटियां, किसानों की बेटी और किसानों के बालकों के ऊपर ज़बरदस्ती झूठे जो मुकदमे दर्ज कर रखे हैं उत्पीड़न करने के लिए, शोषण करने के लिए, बदले की भावना से, वो तुरंत प्रभाव से बाइज्जत खारिज किए जाएं। हम ये चैलेंज करके गए आए आज, और वरना 72 घंटे के अंदर अंदर यह ऐसा नहीं हुआ, राजेश कुंडू समेत सभी किसान और हमारी बेटियों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज है वो खारिज नहीं हुए, तो हम यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। जिला हिसार का तमाम किसान और मजदूर सेक्रेटरीट के सामने धरना देगा और इसका दफ्तर का ताला लावांगे, पूरा कबूतर रहोगे यहाँ पर। न्याय भाई की पब्लिक की बात सुनने की तो किसी अफसर अधिकारी में कैपेसिटी छोड़ नहीं रखी, ये तो सरकार की कठपुतली बन के रह रहे हैं सारे के सारे, खेत में लामनी कर रहा है, मजदूर कहीं अपनी मजदूरी पर जा रखे, यहाँ पर उसको ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर रखे। क्या न्याय है इस देश में, क्या कानून है, कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये लोग क्रांति करवा करके मानेंगे, क्रांति आएगी देश के अंदर, ये लोग भाजेंगे। हिटलर शाही जो हुक्मरान हमारे देश और सूबा के हैं, इनको कुर्सी छोड़ करके भागना पड़ेगा, इनकी पार नहीं पड़ेगी यहाँ पर इस प्रकार से। राजेश कुंडू जी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, सरकार ने FIR दर्ज कर दी है, उसके ऊपर जो केस हुआ उस केस को खारिज करवाने के लिए, और जो इस आंदोलन में जितने भी किसानों के ऊपर केस हुए हैं उन सभी केसों को खारिज करवाने के लिए हम एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, और ज्ञापन में ये केवल हम 72 घंटों का टाइम उसमें देंगे, उसके बाद फिर किसान मोर्चा जो है वो फिर हमारे सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे अगर ये मुकदमे वापस नहीं होते। हमारे निर्विरोध पत्रकार हैं भाई राजेश कुंडू, उनके ऊपर सरकार ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है, जिसके खिलाफ कल पावड़ा गांव के अंदर 5 गांव की पंचायत की गई थी, उसमें एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि कल DC को ज्ञापन सौंपा जाएगा, भाई राजेश कुंडू पर जो मुकदमा झूठा दर्ज किया गया है उसको तुरंत प्रभाव से खारिज करे। इसके अलावा जो हिसार के अंदर किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 2 हमारी बहनें भी हैं, उनके सारे मुकदमे कैंसिल किए जाएँ और सरकार अपने उच्च हरकतों से बाज आए। किस बात को लेकर राजेश कुंडू पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है? राजेश कुंडू ने 9 तारीख को एक छोटा सा बयान दिया था कि सरकार 14 तारीख को जो अम्बेडकर जयंती है उसके ऊपर MLA और मंत्रियों के प्रोग्राम होने निश्चित हुए, सरकार का ऐलान हुआ था, जिसमें उसने ये लिखा था कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार 14 नवंबर को दंगे करवाना चाहती है। बस हमारे जो पत्रकार साथी रुद्रा राजेश कुंडू पर जो एक FIR लगाई गई है, उसने एक अलर्ट अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से डाला था कि हिसार में आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, तो उसके झूठे मुकदमे को रद्द करवाने के लिए आज हम सभी साथी, किसान साथी हो, चाहे वो चाहे मातृशक्ति हो या हमारी बहनें हो, वो इकट्ठे हुए। अब जिस तरीके से किसानों की यहाँ पर जो बातचीत हो रही है, पत्रकार के साथ बातचीत करते हुए जो किसानों के ऊपर भी जो मुकदमे दर्ज है उसकी भी मांग यहाँ उठ रही है,
इसको अपना इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि कोई भी जब एफआईआर होती है तो उस एफआईआर का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। पहले ये होता था कि मतलब अगर किसी के ऊपर मुकदमा लगाया जाता तो बकायदा उसकी छानबीन की जाती थी, मुकदमा सही है या नहीं। आज बिना छानबीन किए पत्रकार साथियों पर, किसान साथियों पर, हमारे किसान बहनों पर, हमारे स्टूडेंट्स पर जो मुकदमे या एफआईआर लगाई जा रही है तो उसको खारिज करवाने के लिए और उसकी जांच पड़ताल करवाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपका क्या कहना है? अगर हम देखते हैं आज के टाइम में मतलब हर किसी को दबाने की कोशिश की जा रही है, या कोई पत्रकार हो या स्टूडेंट हो। अगर मतलब हम थोड़े दिन पहले कॉलेज के अंदर मीटिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे हमें दबा दिया गया, मेरा एंट्री कार्ड छीन लिया गया कॉलेज के अंदर। अब देखा जाए तो जैसे हमारे रिपोर्टर्स हैं, मतलब जो गोदी मीडिया है वो हमारी आवाज़ नहीं उठा रही, किसानों की आवाज़ उसको उठाने की कोशिश नहीं कर रहा। जो नॉर्मल हमारी मीडिया है, छोटी मीडिया है, यूट्यूब के माध्यम से किसानों की आवाज़ को उठा रही है और उनके मतलब जो उनके साथ गलत हो रहा है उस चीज़ को दिखा रही है, लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। लेकिन इस चीज़ से आज अगर देखा जाए हमारी सरकार डरी हुई है, इसलिए वो हर एक महकमे में सबको दबाने की कोशिश कर रही है, झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है सबके ऊपर। अगर हम देखें कि मतलब आज हमें अगर इकट्ठा हम सबको इकट्ठा होकर आना पड़ेगा तभी हम इस सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं। कि जब तक हम ऐसे कहीं थोड़े थोड़े होंगे तो कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा, उससे कोई हल नहीं हो सकता। आज हमें हर एक जगह जाना पड़ेगा, चाहे अगर हम बात करते हैं मजदूरों की, मजदूर इस आंदोलन से बहुत कम जुड़े हुए हैं। हमें उन्हें जोड़ने के लिए उनके पास जाकर उन्हें बताना पड़ेगा कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। उसके लिए हमें उन्हें घर जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे बैठना पड़ेगा, उनको साथ में लेके आना पड़ेगा, तभी हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो छात्र हो, कर्मचारी हो या मजदूर हो, किसान हो, सबको एक साथ मिलकर ही इस आंदोलन को खत्म मतलब आंदोलन को मजबूत करना होगा और इस सरकार को एक मुंह तोड़ जवाब देना होगा, जिससे कि हमारी जीत होगी और ये सरकार गिरेगी। आज आप इतनी दूर इस बात को लेकर यहाँ पर आए हो, हमारे पत्रकार ने पकड़ ला दिखाते खबर इसका कराया खारिज करना है, मरमा बड़ा चावा मारे बड़का ने नहीं पकड़ा है, मारा गए नहीं आप नेम ले हुए उधर मारी रिक्शा कर खाते हुए नेम लगा उनके भीत लगा है। आज वो मारे बड़का ने पकड़ा है, वो मारे बाढ़ के मारा दूध नहीं जान लग रही, मारा दूध की कदर करते नहीं। पंचायत राम राम बहुत बड़ी बात है हमारे हरियाणा में, तो पुलिस अगर आज भी हमारे बीच में होगा पुलिस को हम उठाने नहीं देंगे, इतनी ताकत हमारी संयुक्त किसान मोर्चा और पंचायत।